आज के इस बहुत ही सुंदर ऐसे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के निमित्त से आयोजित अटल महाकुंभ में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए बिहार के महामहिम राज्यपाल आदरणीय लालजी टंडन जी, साथ ही में पधारे बिहार के लोक निर्माण मंत्री माननीय नंद किशोर यादव जी, आज जिन्हें हमने सम्मानित किया, अटल जी के साथ कार्य करने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय शिव कुमार जी और हमारे ज्येष्ठ नेता राजस्थान के गृह मंत्री आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक नरेंद्र मेहता जी, महापौर डिंपल मेहता जी, हमारे बिहार के संगठन मंत्री माननीय नागेंद्र जी, जिन्होंने बहुत सुंदर काव्य प्रदान किया, ऐसे शिखर सुमन जी, सुप्रसिद्ध अभिनेता रवि किशन जी, हेमंत म्हात्रे जी और दीप कमल फाउंडेशन के माध्यम से इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम को अनेक वर्षों से जो आयोजित करते हैं, ऐसे हमारे भाई अमरजीत मिश्र जी, सभी महानुभाव बहनों और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही सुंदर ऐसा कार्यक्रम है और इसको नाम दिया है अटल महाकुंभ। हम जानते हैं हमारी संस्कृति में देवदानों के युद्ध के बाद जब अमृत प्राप्त हुआ और दानवों से अमृत को बचाने के लिए देव जब अमृत ले जा रहे थे, तो ये अमृत जहां जहां छलका वहां वहां कुंभ का आयोजन होता है। उसी प्रकार से जहां जहां अटल जी के अमृतमय विचार पहुंचते हैं, वहां कुंभ अपने आप आयोजित हो जाता है और उन्हीं अमृतमय विचारों को, उनकी कविताओं को हम सभी के बीच, इन अमृत वचनों को लाने का काम भाई अमरजीत मिश्र के माध्यम से लगातार हो रहा है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। अटल जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, इस देश में ऐसा राजनेता शायद ही कोई हुआ हो जिसको जनता का इतना प्यार मिला हो और जिसने अपने जीवन का क्षण क्षण केवल और केवल समाज के लिए दिया हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि अटल जी अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसको हम लोग अथांग सागर की तरह देखते हैं और जिनसे इतनी प्रेरणा हमको मिलती है कि जिससे मैं ऐसा मानता हूँ हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता भी उनसे प्रेरणा पाकर अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से इस देश में एक नई कार्य संस्कृति की निर्मित कर रहे हैं, उस कार्य संस्कृति की नींव अगर किसी ने रखी तो आदरणीय अटल जी ने रखी है और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अटल जी को हम याद कर रहे हैं, उनकी एक एक बात हम लोग याद कर रहे हैं और किस प्रकार से इस देश को आगे ले जाने का प्रयास उन्होंने किया ये भी हम सभी लोग जानते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, अटल जी किसी भी अवस्था में हमें ऊर्जा देने का काम करते थे। अटल जी कहते थे, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, उजी हुई बातें सुनाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। व्यक्ति को किसी भी निराशा के पल में अटल जी में ताकत थी कि वे ऊर्जा दे
और इसलिए उनका जीवन भी हमेशा ऊर्जा से भरा रहा। और कई बार लोग अपने जीवन के पलों में पछताते हैं, कहते हैं मैंने बहुत चीजें मेरी छूट गई, पर अटल जी अपने जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं मैं जी भर जिया, मैं मन से बोलू लौट कर आऊंगा कूच से कूच। मुझे ऐसा लगता है ये जो भावना अटल जी ने व्यक्त की है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में इतने समर्पण के बाद इस प्रकार से इस बात को कह सकता है, ये केवल अटल जी कह सकते हैं। और इसलिए ऐसे अटल जी को उनकी कविताओं को याद करने का काम, उसके पठन का काम और उसके माध्यम से एक मार्गदर्शन करने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है इस कार्यक्रम में हमने उन लोगों का सम्मान किया है, सुकुमार जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन अटल जी के साथ व्यतीत किया। और मुझे ऐसा लगता है कि अटल जी को जितने करीब से सुकुमार जी ने देखा शायद ही किसी और ने देखा हो, ऐसे सुकुमार जी हो या गुलाब चंद जी कटारिया हो, कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक नेता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में और लगातार संघर्ष करते हुए राजस्थान के कद्दावर नेता के रूप में, लगातार केवल चुनाव जीतकर नहीं तो एक अच्छे प्रशासक के रूप में भी जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और लगातार अटल जी से प्रेरणा पाई। और ये भी मैं मानता हूँ बड़ी बात है कि इस सारे कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में हमें मिले लालजी टंडन, जिन्होंने अटल जी के साथ कार्य किया, अटल जी के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया, अटल जी को करीब से देखा। तो एक प्रकार से हम जिसको दुग्ध शर्करा योग कहते हैं, इस प्रकार का योग यहाँ पर हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि आज का मौका अटल जी को याद करने का है। हम सभी लोग मिलकर केवल इतना ही संकल्प करें, जिस मार्ग पर इस देश को अटल जी ले जाना चाहते थे और आज उसी मार्ग पर इस देश को मोदी जी ले जा रहे हैं, हम सभी लोग जब तक ये देश विश्व गुरु के पद पर नहीं पहुंचेगा तब तक आराम से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। और वो दिन जिस दिन ये देश फिर एक बार उसी विश्व गुरु के पद पर पहुंचेगा, वही दिन हम अटल जी को असली श्रद्धांजलि दे पाएंगे। मैं फिर एक बार अटल जी के चरणों में नमन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।